आपको मेरे बच्चे में गठान था सर, 4-5 गठान था तो मेरे को दर्द होता था। गठान है आपको निकालना पड़ेगा बच्चा दानी करके। फिर मैं घबरा गई कि कैसे करूँगी करके। फिर मैं 4 महीने तक पीऊँ सर, अभी मैं एकदम स्वस्थ हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। चलो मेरा 50,000 पैसा बच गया सर, आप लोगों की दुआ है जी। दोस्तों नमस्कार, मैं पंकज साहू महासमुंद जिले के तुमगाँव से आज मैं आया हूँ। आज जानते हैं कि आज एक तुमगाँव में बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन रिजल्ट आया है। दोस्तों आइए मिलते हैं मैम से। सुना मैम आपका तरह समझ आते जी, क्या समस्या थी मैम आपको? मेरे बच्चे का नहीं गठान था सर, 4-5 गठान था तो मेरे को दर्द होता था। तो मैं गई थी रायपुर में चेक कराने के लिए, वहाँ बोले कि अब सोनोग्राफी कराए हूँ सर। वहाँ निकला कि 4-5 गठान है आपको निकालना पड़ेगा बच्चा दानी करके। फिर मैं घबरा गई फिर कैसे करूँगी करके। फिर आपका दिया हुआ दवाई सुनी थी आपके बारे में, उस कंपनी के बारे में, तो मैं दवाई ली हूँ उसमें के। तो मैं 4 महीने तक पी हूँ सर, अभी मैं एकदम स्वस्थ हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। चलो बधाई हो मैम आपको। मेरा 50,000 पैसा बच गया सर, आप लोगों की दुआ है जी। इसलिए मेरा तो और क्या कहना चाहेंगे मैम और लोगों को इस मैं और सबको कहूँगी सर कि जिनको भी ये प्रॉब्लम है और कोई भी प्रॉब्लम है वो सब मिले हम लोगों से, या फिर मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। मैं बताऊँगी उनको कि क्या दवाई लेना है और मैं किस तरह से दवाई दी हूँ और क्या क्या मैं पी हूँ उसको बताऊँगी सर। मैं ये गैनोडॉक सर और ठंडा ब्लास्ट सर कॉम्बो लेती थी मैं जी जी। मैं सिर्फ 4 महीना बस यूज करूँ सर, और ठंडा ब्लास्ट को अभी भी मैं कभी कभी पीती हूँ। अभी मैं हाथ पर में कभी अकड़न होता है इसके लिए मैं पीती हूँ। ये मेरे लिए संजीवनी बूटी है सर जी जी, बहुत अच्छा दवाई है जी। अभी तो मैं इसको यूज करती हूँ कभी कभी, इसको मैं बंद कर दूँ सर। चलो बधाई हो मैम आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जी सर। जहाँ आपके लाखों रुपये लग रहे थे वहाँ कम पैसे में आपका इलाज हो गया। तो हमारे दोस्तों को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे AWPL के प्रोडक्ट से कि लोगों को इसके साथ क्या? मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सर SLPS कंपनी को कि लोगों को स्वस्थ कर दिए मेरा। आपका भी पंकज साहू सर का भी धन्यवाद, आपने जो मुझे दवाई पिलाई है सर, आपको भी धन्यवाद करती हूँ, उस कंपनी का भी धन्यवाद करती हूँ। बधाई हूँ जी सर।